विश्वर्पण दृश्य जाती है संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, तब सद वस्तु का शुद्ध अनुभव होता है। तो जितने आकार विकार प्रकार संस्कार हैं सब सत में आरोपित है, अधिष्ठान की प्रधानता से वो समाधि रूप है सत। और जब चित्ता की प्रधानता से अनुभव करते हैं, चित्त तो ये वृत्तियों का उत्थान तो व्यावहारिक रूप है, ब्रह्माकार वृत्ति जो है वो शुद्ध चित्त के अनुभव का स्थान है। और ये जिसको हम आनंद कहते हैं, ये जब वृत्ति में आता है तब इसका नाम होता है भगवत प्रेम, इसी को भक्ति कहते हैं। और जहां तीनों एक हो जाते हैं वहां ईश्वर रूप स्थिति हो जाती है, और जहां तीनों व्यावर्तक होते हैं असत अचित और दुख की व्यावृत्ति करने के लिए सचित आनंद शब्द का प्रयोग करते हैं, जहां तीनों हो गए व्यावर्तक वहां अपने अद्वितीय ब्रह्म रूप के सिवाय और कोई नहीं। ये होती है प्रक्रिया। अब आओ कभी हम आपको सत की प्रधानता से बात सुनाते हैं तो उसमें धर्म और योग दोनों का सन्निवेश हो जाता है। और कभी चेतन की प्रधानता से सुनाते हैं तो कैसे ये प्रपंच प्रतीत हो रहा है, और इसके प्रतीत न होने पर भी प्रतीत न होने की प्रतीति होती है, भानस्वरूप वो चेतन है। और ये आनंद स्वरूप जो है ये कभी भोग की उपाधि से मालूम पड़ता है, कभी भगवान भगवदाकारता से मालूम पड़ता है, और कभी परम स्वतंत्र सत्ता जिसमें कोई नाम रूप नहीं, कोई विशेष नहीं, धर्म नहीं, परम स्वातंत्र के रूप में अनुभव का विषय होता है।
आओ आपको थोड़ी आनंद की बात सुना। इसमें एक बात बिल्कुल सही सही आप समझ लें, जो वस्तु नित्य परोक्ष होते हैं, जैसे स्वर्ग है, वैकुंठ है, निराकार ईश्वर है, तो उसका ज्ञान बिना सुने नहीं होगा, श्रवण से ही उसका ज्ञान होगा, सुनना पड़ेगा। और जो वस्तु नित्य अपरोक्ष होकर भी अज्ञात रहती है, जैसे अपना आत्मा, साक्षात अपरोक्ष स्वयं ब्रह्म है, परंतु ब्रह्मता अज्ञात है, तो इस नित्य अपरोक्ष में जो अज्ञातता है वो बिना श्रवण के कभी निवृत्त नहीं होगी, उसके लिए श्रवण ही करना पड़ेगा। तो हर हालत में चाहे आप ईश्वर को पाना चाहिए, ईश्वर को पाना चाहे वैकुंठ नाथ को, गोलोक नाथ को, साकेत नाथ को, तब भी आप श्रवण कीजिए। और यदि अपने आत्मा को ब्रह्म रूप में देखना चाहते हैं, साक्षात करना चाहते हैं, साक्षात परोक्ष करना चाहते हैं, तो श्रवण कीजिए। सुनने के सिवाय और कोई चारा नहीं है कि हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो। इसी को बोलते हैं कथा। कथा माने कहानी नहीं, कथा माने कथम। क्यों? जैसे यथा जेनम प्रकारेण, जैसे तथा तेनम प्रकारेण, जैसे सर्वथा सर्वेण प्रकारेण, वैसे केनम प्रकारेण इति कथा। जो परमात्मा के साक्षात्कार का प्रकार बता दे किस ढंग से भगवान मिलेंगे, उसका नाम होता है कथा। आओ सुन। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, हर ही निरंतर होहिन पूरे, तिनके हृदय सदन तवरूरे। भगवान कहाँ रहते हैं? जिनके कान समुद्र के समान है। और भगवान की जो कथा है वो सिंधु है, वो गंगा है, वो नर्मदा है, वो कावेरी है, वो कृष्णा है। कथा तरह तरह से घूम फिर के आती है और आकर के समुद्र में मिल जाते हैं। पर ही निरंतर हो ही न पूरे, निरंतर नदियां आके मिलती रहती हैं, परंतु कभी तृप्ति नहीं होती है। वो कान रूप जो समुद्र है उसमें सब नदियां आके मिल जाएं, ऐसा श्रीमद् भागवत में बताया कि कितना भी श्रवण करो तृप्ति नहीं होगी। क्यों? बोले एक तो भगवान का चरित्र अनंत है, उसका कभी अंत नहीं होगा, अंत नहीं होगा उसका, विषय का अंत नहीं है। और दूसरे तो बोले कान का भी अंत नहीं है, तृप्ति कैसे होती है? पेट भर जाए तो तृप्ति होगी, पर कान का पेट तो कभी भरेगा नहीं, तो तृप्ति कहां से होगी? अच्छा, रुचि हट जाए तब भी खाना छोड़ देंगे, तो कथा में से रुचि तो कभी जाएगी नहीं। बड़ी रोचक होती है भगवान की कथा। और भगवान का जो चरित्र है वो तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो न विषय की समाप्ति होगी, न तो कान का पेट भरेगा, न तो मन में अरुचि होगी। इसलिए स्वाद स्वाद पदे पदे निरंतर भगवान की कथा
निरंतर भगवान की कथा सुनते रहो। कथा के गरुड़ पर आरूढ़ होके, शब्द के गरुड़ पर आरूढ़ होके भगवान अपने हृदय में आते हैं। ये गरुड़ जो है वो शब्द है, वो शब्द है, उसी पर भगवान, वही शब्द ही भगवान का वाहन है। कोई भी देवता आपके हृदय में आवेगा तो किसी न किसी वाहन पर चढ़ के आवेगा। तो परमात्मा का वाहन क्या है? बोले शब्द रूप गरुड़ है। गरुड़ साम, साम वेद की ध्वनि निकलती रहती है गरुड़ के पंख से। जहां भगवान जाते हैं शब्द पर आरूढ़ होते जाते हैं। तो यदि आप चाहें कि हमारे हृदय में भगवान आवे, तो आपको शब्द के गरुड़ पर आते हुए जो भगवान हैं, उनको अपने हृदय में लेना चाहिए। जितना सुनेंगे उतने उतना भगवान से आपका प्रेम होगा। एक बात गोपियों की सुनाते हैं, वेदांती लोग जरा डरते हैं। हमारे तो एक यहाँ बड़े वेदांती हैं, 35 वर्ष तो हो गया वेदांत का श्रवण करते हैं। एक बार मैं यहाँ गोपी जी की कथा कर रहा तो बोले स्वामी जी आप तो हमारी निष्ठा डामाडोल कर देते हैं, हमारा वेदांत टूट जाता है। क्या बोलते हैं तो ऐसे वही ऐसी निष्ठा हो जो हिल जाए, डवाडोल हो जाए, तो उसको जरा एक बार उखाड़ लेने दो फिर बैठा रहे। तुम्हारी निष्ठा कमजोर है। तदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रोट सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना वह वैह विहंगा भिक्षु चर्याम चरंती। ये जो बाबा जी लोग होते हैं, महात्मा लोग, अपने बुढ़े माँ बाप को छोड़ दिया, उनके पास खाने पीने का कुछ ढंग नहीं था, पर छोड़ दिया, बनाया मकान छोड़ दिया, ब्याही पत्नी छोड़ दी, पैदा किया हुआ बेटा छोड़ दिया। अब पेड़ के आश्रय से रहते हैं, वृक्ष के आश्रय से, निहंग लाड़िले विहंग कहीं से चुन चुन के खाते हैं, मांग मांग के खाते हैं। तो ये बाबा जी लोग जितने हैं, इन्होंने क्या भगवान को देख लिया तब घर द्वार छोड़ा? नहीं, देख के नहीं छोड़ा। यद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रो, भगवान जो लीला करते हैं, जो चरित्र करते हैं, उसका कहीं नाटक देख लेते हैं, कहीं लीला कर ले देख लेते हैं, उस अमृत की एक बूंद कान में पड़ जाती है, उसकी एक बूंद वो निगल लेते हैं, और फिर मन यही होता है कि न माँ बाप चाहिए, न पति पत्नी चाहिए, न बाप बेटा चाहिए, न घर द्वार चाहिए, द्वंद्व धर्म जितना है, न नरक स्वर्ग चाहिए, न पाप पुण्य चाहिए, न सुख दुख चाहिए, न राग द्वेष चाहिए, द्वंद्व धर्म जितना है, द्वंद्व हमको दो दो मिलकर रहने की जरूरत नहीं है। अरे बाबा सत्यानाश हो गया इन बाबा जीओं का, सब कुछ छूट गया, घर द्वार छूट गया, माँ बाप छूट गए, पति पत्नी छूट गए, बेटे बेटी छूट गए, ये कैसे हुआ? अब सोचो कि वे कितने लुभावने होंगे, वे कितने सुंदर होंगे जिनकी कथा सुनने से और सारा संसार छूट जाता है। शत्रु तदन विधूत द्वंद्व धर्म
मैंने एक बार केवल एक बार उस प्राण प्यारे की कथा सुनी, वैराग्य वहीं से निकलता है। दोष दृष्टि वाला वैराग्य टिकाऊ नहीं होता, उद्वेग जन्य वैराग्य टिकाऊ नहीं होता। जब परमात्मा से लगन लगती है, भक्ति जब आती है, तब जो भगवान बाप और भक्ति माँ, इन दोनों के संयोग से जो वैराग्य रूप बेटा पैदा होता है, वो अजर होता है, वो अमर होता है, वो ज्ञान, वो वैराग्य अमर होता है। सपद गृह कुटुम्बम दीन मुत्सृज्य दीना, स्वयं भिखारी बन गए, घर वालों को भिखारी बना दिया। बहवै अभिहंगा भिक्षुचर्याम चरंती, भीख मांगते हैं बाबा, लेकिन अभी उस रूप की एक बूंद भी मिली नहीं। उस रूप का केवल श्रवण किया है, सुन सुन के ये दशा हुई है। बहवै अभिहंगा भिक्षुचर्याम चरंती, गोपी बोलते हैं, तव कथामृतम तत् जीवनम कवि भीरीदितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातकम गृणन्ति ते पूरिदाजनाः तव कथामृतम। अमृत पीना हो तो आओ यही पियो, यहां कहां मिलेगा अमृत का। भगवान की जो कथा है, बात करते हैं ना, बड़े प्रेम से करते हैं, अपनी आवाज में मिठास भर देते हैं। कठोरा भव मृद्वीवा प्राणास्तमसी राधे, तुम चाहे कठोर बनो चाहे कोमल बनो, राधा रानी तुम तो हमारी प्राण हो। अस्ति नान्या चकोरस्य चंद्रलेखाम बिना गति, जैसे चकोर को चांदनी के सिवाय दूसरी कोई वस्तु प्यारी नहीं लगती, वैसे हमको तुम्हारे सिवाय दूसरा और कोई प्यारा नहीं लगता। अरे ऐसी एकता महाराज, तत्व प्रेम कर मानस में सुन, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तोही पाही, जानु प्रीति रस इतने माही। हमारे और तुम्हारे प्रेम का जो रहस्य है, उसको केवल मेरा मन जानता है, और वो मेरा मन मेरे पास नहीं रहता, सदा तुम्हारे पास रहता है। असल में मन की उपाधि ही दो बनाती है। वो यदि अंतःकरण की दो उपाधि न होए, तो आत्मा को दो बनाने वाली और कोई चीज नहीं है। और जहां मन ही एक हो गया, ये देखो इसका नाम सखी, न सरमणो न हम रमणी तिविदा वयो रास्ते, प्रेम रसे नो भय मन इव मदनो निष्पिपेश बलात्। वे प्यारे हैं, मैं प्यारी हूं, ये भेद हम दोनों में नहीं है। मिलन की तीव्र आकांक्षा है हमारे और उनके दोनों के मन को, चटनी की तरह सिल बत्ते पर पीस के एक कर दिया है। कहां उसमें धनिया है, कहां पुदीना है, कहां नमक है, कहां नींबू है, कुछ पता नहीं। मिल के चटनी एक, जब राधा कृष्ण के मन ही दो नहीं रहे, तो उनकी आत्मा को दो करने वाली कौन सी उपाधि बच गई। तो वो कथा मृतम
भगवान की कथा क्या है, अमृत है। तप्त जीवनम, संसार में जो दुखी है उनके लिए यही जीवन धन है, यही जीवन सर्वस्व है, इसके सिवाय और कोई सहारा नहीं है। लगती होगी किसी की समाधि, होती होगी किसी की ब्रह्माकार वृत्ति, जाता होगा कोई जीवन काल में ही वैकुंठ में। अरे बाबा, यहाँ तो ना शांतानंद है, शांतानंद नहीं है वो, और न संसारानंद है, यहाँ कौन है? देखो, संसार नहीं है इसलिए संसारानंद नहीं है, और शांति नहीं है इसलिए शांतानंद नहीं है। ये संसार के जो दुखी हैं, उनके लिए जीवन सर्वस्व है ये कथा। दुख भी काहे का, भगवान के विरह का। विरह के ताप से संतप्त है जीवन जिनका, उनके लिए भगवान की कथा ही सर्वस्व है। तप्त जीवनम कभी भी रीडितम, स्वर्ग का अमृत, स्वर्ग के जो सुखी देवता है उनको पीने के लिए मिलता है, और ये कथा का अमृत उन दुखी लोगों को मिलता है जो संसार में रहकर भगवान के विरह के ताप से संतप्त है, उन लोगों का ये जीवन है। और महाराज, स्वर्ग में जो अमृत है उसकी तो महात्मा लोग निंदा करते हैं, उसको पी करके देवता लोग भोगी बन जाते हैं। उसमें तो नशा है, उसमें तो अशांति है, उसमें तो भोग की वासना है। ये हमारा अमृत भोग की वासना को शांत कर देने वाला, और स्वयं लहराता हुआ ये अमृत का सरोवर लहरा रहा है। जब वृत्ति शांत होती है तब ब्रह्मानंद, और जब विषयाकार होती है तब संसार आनंद, विषय आनंद। लेकिन इसमें न संसार है न शांति है, ये भगवान के लिए अशांति है, भगवान के लिए शांति है, उन्हीं के लिए शांति, उन्हीं के लिए अशांति। ऐसे कभी भी रीदिता वामदेव आदि जो महापुरुष हैं वो इसकी महिमा गाते हैं, और स्वर्ग के अमृत की निंदा करते हैं। कल्मषाप हम, स्वर्ग का अमृत आप पिएंगे तो क्या होगा आप जानते हैं? आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम दिशंति, पुण्य क्षीण होगा और आप मर्त लोक में गिर पड़ेंगे। और ये कथामृत का, जब इस अमृत का आप पान करेंगे तो आपका पुण्य क्षीण नहीं होगा, पाप क्षीण हो जाएगा। श्रवण मंगलम, वो अमृत पीना हो आपको, वो अमृत पीना हो आपको तो क्या करेंगे? यहां पहले यज्ञ करो, आग के सामने बैठो, घी बूरा डालो, धुआं खाओ। अगर ठीक ठीक यज्ञ हो जाए तो स्वर्ग में जाओगे, वो जब तक पुण्य होगा तब तक मिलेगा। और ये श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से ही परम मंगल दाता है। श्रीमत, स्वर्ग का अमृत अशांति देने वाला है, ये शांतिदायक है। वो थोड़ा सा है, जरूर कुछ चाहिए तो, जरूर कुछ चाहिए तो लड़ाई करनी पड़ती है, और मनुष्य को चाहिए तो, और ये कहिए मनुष्य के लिए सुलभ। भूवि गृणन्ति ते पूरिदा जनाः, इस कथामृत का जो पान कराते हैं, छक छक के ये प्याला जो पिलाते हैं महाराज, उनसे बढ़ के दाता और कोई नहीं।